बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एमन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, यानी कि जब भी किसी हाई चीज़ से, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ हाई होती है वहाँ से वो लो की तरफ मूव करती है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डिफ्यूजन बोलते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर परफ्यूम है, अगर आप लोग रूम के एक कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम करते हो, स्प्रे वगैरह, तो थोड़ी देर के बाद पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, उसको आप क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन हमने क्या पढ़ना है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर थ्रू द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। यानी कि देखें, अभी हमने डिफ्यूजन में क्या बात की कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई से लो, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई भी मेम्ब्रेन की बात नहीं की कि जैसे कि मॉलिक्यूल आप एक जगह रूम में खड़े होकर स्प्रे कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं आती जिसके ज़रिए कि मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। लेकिन जब आप लोग इसी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात करते हो बट विद द हेल्प ऑफ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस बोलते हो। ठीक है, यानी कि जब भी सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह है वो मूव करेगा हाई से लो की तरफ, लेकिन किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो इन सिंपल वर्ड, द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर थ्रू द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि व्हाट इज सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, कि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो ये सेल की इधर यहाँ पे ये क्या है? मेम्ब्रेन। तो यानी कि सेमी परमीएबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से पास हो सकते हैं और कुछ पास नहीं हो सकते, यानी कि हाफ पास हो सकते हैं, कुछ पास नहीं हो सकते। तो उस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तो इसके ज़रिए जो मूवमेंट है उसको आप क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन क्या राइज होते हैं कि मूवमेंट होती कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से, किधर किधर होती? तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब क्या है? लो। हाइपो मीन लो, और हाइपर का मतलब क्या है? हाई। जैसे कि देखें, हम अक्सर बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत हाइपर हो रहा है, यानी कि उसका बीपी हाई हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर, वो भी लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस बोलते हो। ठीक है, ये जो भी ऑस्मोसिस वगैरह है ये कौन कंट्रोल करता है? कि जितनी इस सॉल्वेंट के अंदर जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो सेल के अंदर किस तरह होती है, किस तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वाटर कैसे कैसे जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अगर तो वाटर कैसे कैसे मूव करेगा, तो वो वन बाय वन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, हाइपो मीन लो, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी? कि पानी जो है वो सेल की बॉडी के अंदर क्या है? कम है। अब देखें, अगर पानी कम है तो इसका मतलब क्या है? कि अगर सेल की बॉडी के अंदर पानी कम है तो बाहर पानी क्या है? ज़्यादा। तो मतलब कि बाहर से पानी क्या होगा? सेल की बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो सेल बनाए, एक है यहाँ पे एनिमल सेल, एक है यहाँ पे प्लांट सेल। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में इनको रखा हुआ है जहाँ पे पानी बाहर तो ज़्यादा है बट सेल के अंदर क्या है? वो कम है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन विच हैज़ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। सो द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल इज मोर। तो इसी वजह से पानी जो है वो सेल के अंदर जाता जाएगा।
अब जब ये देखें यहाँ पे एनिमल सेल में पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल में क्या होगा कि जब बाहर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर पानी जाता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बैलून की एग्जांपल ले लें, अगर आप देखें बैलून है आपके पास सिंपल, तो उस बैलून के अंदर आप पानी डालते रहें तो वो बैलून क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, बैलून, आप इसमें पानी डालते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बैलून क्या हो जाएगा, सारा का सारा स्वेल हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सूज जाएगा। अब वो जब सूज जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, रप्चर मतलब फट जाएगा। तो ऐसा होता है कि एनिमल सेल जो है उसमें पानी जाता जाए तो वो स्वेल होते होते वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया है, फट गया। आप सिंपल बैलून की एग्जांपल ले लें कि बैलून छोटा था, पानी डाला तो वो बहुत स्वेल हो गया, और एट टाइम ऐसा है जब वो क्या हो गया, फट गया, बर्स्ट हो गया, रप्चर हो गया। लेकिन प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है कि बाहर से पानी अंदर तो जाता है, जब पानी अंदर जाता रहता है तो सेल, प्लांट सेल उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। उसको जब वो एब्जॉर्ब करता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल क्या हो जाएगा, थोड़ा सूज के सख्त हो जाएगा, फटता नहीं है वो, बस वो क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टर्जिडिटी, या बोलते हो कि सेल जो है वो क्या हो गया था, टर्जिड हो गया था, यानी कि वो सख्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उस तरह हमने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या है वो उसमें कंडीशंस क्या है, आइसोटोनिक, यानी कि आइसो का मतलब क्या है, सेम, यानी कि ऐसे सेम कि बाहर भी वाटर की अमाउंट इक्वल है और अंदर भी वाटर की अमाउंट क्या है, इक्वल है। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू दैट ऑफ सेल, सो द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटसाइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनसाइड। यानी कि बाहर जो रेट होगा ऑस्मोसिस का वही अंदर होगा। यानी कि आइसो मीन सेम है, यानी कि पानी जो है वो बाहर भी सेम है, अंदर भी, तो पानी अंदर भी आता जाएगा, बाहर भी जाता जाएगा। तो एनिमल सेल जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल, यानी कि ना ही वो स्वेल होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह, ना ही वो क्या होगा, रप्चर होगा। जबकि प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल क्या हो जाते हैं, थोड़ा फ्लैसिड, मतलब जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो वो टर्जिड हो गया था, यानी कि सख्त हो गया था। अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो भी नॉर्मल, यानी कि अपनी टर्जिडिटी थोड़ी सी क्या कर लेगा, लूज़ कर लेगा। अब लास्ट वन हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपर का मतलब क्या है, हाइपर मीन हाई, यानी कि इसके अंदर सॉल्युटी कंसनट्रेशन, ये सॉल्यूट की कंसनट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, इन विच द सॉल्यूशन हैज़ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन दैन द सेल, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो, यानी कि सॉल्युटी कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट के अंदर बाहर ज़्यादा होगी और सेल के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बाहर क्या होगी, सॉरी, कम होगी। तो हाइपर मीन हाई। अब हाई है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर बॉडी की चीज़ हाई, तो वो उस तरह से पानी क्या होगा, अंदर से बाहर, हाइपो में अंदर जा रहा था, हाइपर में वो पानी बाहर आएगा। जब पानी बाहर आएगा तो सपोज़ ये सेल है, इसमें से पानी बाहर निकलता जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आप उसी बैलून की एग्जांपल लें, उस बैलून में आपने पानी भरा हुआ है, वो स्वेल हुआ हुआ है, सूजा हुआ है, जब आप उसमें से पानी निकालते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलून बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह सेल के साथ भी होता है कि पानी जब निकलता जाएगा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये क्या था, एनिमल सेल। और प्लांट सेल भी क्या है कि प्लांट सेल के अंदर से भी जब पानी निकलता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसका साइटोप्लाज्म क्या होता जाएगा, श्रिंक, और सेल भी क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, यानी कि अपने साइज में स्मॉल होता जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद ईजी लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।